साथियों नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। साथियों इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी, ठीक है ना। किस प्रकार YouTube पर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपको दिन प्रतिदिन आपको यही बताया जा रहा है कुछ YouTube चैनलों के द्वारा कि जयपुर हेड ओपी से क्या है नए आदेश जारी हुए हैं और रोजगार कार्यालय ने फिर नियमों में परिवर्तन किया है। तो साथियों इसकी मैं आपको यहाँ पूरी सच्चाई बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, रोजगार कार्यालय ने जो लगभग 10 दिन पहले नियमों में परिवर्तन किया था उसके बाद ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया है और उसके बाद जयपुर हेड ऑफिस से अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है। साथियों ऐसे कोई नियमों में परिवर्तन नहीं किया गया है, तो मैं उन YouTube चैनलों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। सिर्फ आप अपने व्यूज के लिए इतने गिर चुके हैं तो ये आपको थोड़ा सोचने का विषय है, क्योंकि आज राजस्थान का ये जो शिक्षित बेरोजगार है वैसे ही परेशान हो रहा है और आप दिन प्रतिदिन थंबनेल पर लगा रहे हो कि आज रोजगार कार्यालय ने ये नियम लिया, ये नियमों में परिवर्तन किया, अशोक गहलोत ने ये बैठक बुलाई। देखो साथियों ये सिर्फ बेवकूफ़ है बनाने का काम है, उनका सिर्फ ये धंधा है। उनको पता है कि इस समय बेरोजगारी भत्ता योजना में यदि हम इस प्रकार के थंबनेल बनाएंगे तो हमारे चैनलों पर व्यूज ज़रूर आएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है इस प्रकार के YouTube चैनलों से आप थोड़ा सावधान रहें। साथियों आपके अंदर बहुत दिमाग है, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। तो अभी ऐसे कोई नियमों में परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे कोई रोजगार कार्यालय के द्वारा आदेश नहीं आए हैं, वही साथियों खिचड़ी पकी हुई है। आपको दिक्कत आएगी तो वही आपको SSO ID में कभी ओपन हो जाएगी कभी बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हेड ऑफिस ने नए नियम आदेश जारी कर दिए, ठीक है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना, अपने समय को बर्बाद ना करें, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। देखो साथियों मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ, यदि बेरोजगारी भत्ता योजना यानी इंटर्नशिप योजना आपको आगे बढ़ने में रोड़ा साबित हो रही है तो मेरे दोस्तों आपको अपने बाएं पैर से उसको लात मार कर भगा देना है, ठीक है, यानी आप उसे ठुकरा सकते हैं क्योंकि ये आपका भविष्य का सवाल है। साथियों क्योंकि हर इंसान को मैं ये मानता हूँ अपना फैसला लेने का एक अधिकार होता है। यदि आपको कुछ रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं और आपको लगता है यदि आप मानसिक शोषण का शिकार हो रहे हैं इंटर्नशिप योजना से और आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे ठुकरा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे चैनलों से आपको सावधान रहना होगा जो आपको बार बार इस प्रकार की जानकारी देंगे कि आज हेड ऑफिस ने ये नियमों में परिवर्तन किया और रोजगार कार्यालय ने ये नए आदेश जारी किए और वीडियो के अंदर आपको कुछ नहीं बताया जाएगा, सिर्फ यही बताया जाएगा कि रिमार्क क्यों आ रहा है, वेरीफाई क्यों नहीं हुआ है। तो मेरे ऐसे YouTube चैनलों से थोड़ा निवेदन है कि इस समय राजस्थान का शिक्षित बेरोजगार वैसे ही मानसिक रूप से परेशान हो रहा है, तो आप इनके समय की बर्बादी ना करें, आप अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए इतना ना गिरें।